सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइज़, आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी बाइक में अपोलो अल्फ़ा H1 और अपोलो अल्फ़ा S1 टायर्स का सेट लगाया था। पीछे H1 और आगे S1 लगाया था। सो मेरी बाइक ने कवर कर लिए हैं अभी 3000 किलोमीटर्स। सो आज की वीडियो में मैं इसी का रिव्यू देने वाला हूँ कि ये टायर्स 3000 किलोमीटर्स तक मतलब कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग मैं सब कुछ शेयर करूंगा आपसे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट अगर देखा जाए इन टायर्स को इंस्टॉल कराने के बाद, कॉर्नर करने का कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो अब कॉर्नर्स में, पहले मेरी बाइक बहुत ही ज़्यादा वॉबल किया करती थी जब स्टॉक टायर्स लगे हुए थे, और जो मैंने C8 का जूम भी लगाया था उसका भी मैंने वीडियो बनाया, उसमें भी मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ पाता था कॉर्नर में। लेकिन इसको लगाने के बाद अब कॉर्नर्स में बहुत ही प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि एज यू नो कि ये ग्रूव्स, सो ये ग्रूव्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं कॉर्नर्स में कॉन्फिडेंस देने के लिए। एंड ये ग्रूव्स इस पे भी हैं एंड इस पे भी हैं, तो दोनों पे ही ग्रूव्स हैं। सेकंड थिंग, अगर मुझे डिफरेंस लगा है स्टॉक से इसमें, तो वो ये है कि इसकी ब्रेकिंग जो पावर है, ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी हो गई है। बाइक की ब्रेकिंग जो पहले थी वो बहुत बुरी थी, एंड अब जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी हो गई है। पहले बाइक स्किड बहुत करती थी, अब बाइक स्किड नहीं करती है इतना। तीसरी चीज़ मुझे मेजर डिफरेंस ये लगा कि अब इससे व्हीली स्टॉपी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। ज़रा से RPM पे यू कैन डू द व्हीलीज एंड स्टॉपीज एंड ऑल, मतलब थोड़े से ही RPM पे मैं इससे व्हीली भी कर लेता हूँ एंड स्टॉपी भी आराम से कर लेता हूँ, क्योंकि टायर्स इतने ज़्यादा ग्रिपी हैं तो व्हीली स्टॉपी में कोई प्रॉब्लम इतना एज सच आता नहीं है। बाकी फोर्थ चेंज गाइस, इसका ये है कि ये टायर्स लगवाने के बाद जो है इसका थोड़ा सा टॉप स्पीड में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। पहले गाड़ी 155 तक जाती थी, अब गाड़ी जो है 155 तो नहीं जा रही है लेकिन 152 तक जा रही है। थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है माइलेज में, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट दैट्स एक्सेप्टेबल फॉर मी। बाकी गाइस, इन रोड फील भी अगर मैं मेंशन करूँ तो बहुत अच्छा हो गया है। गाड़ी अब बहुत ही प्रॉपर तरीके से रोड पे चलती है एंड बहुत ही स्टेबल रहती है बाइक, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती है। एंड ट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया है इसका, रोड से होल्ड करके चलती है गाड़ी और बिल्कुल भी झटके नहीं लगते। सो अगर मिनिमम जंप्स वगैरह भी आते हैं तो जंप्स वगैरह पे भी एम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आगे, जैसा मैंने पहले ही बता रखा था, मैंने आगे 110 लगा रखा है 110, और पीछे लगा रखा है 150। सो वाइडर टायर्स लगाने का मेरे को एक एडवांटेज मिला है कि कॉर्नर्स पे मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कॉर्नर्स पे मेरे को होल्ड मिलता है बिकॉज ऑफ द वाइडनेस। एंड गाइज, एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर कॉर्नर्स या वैसे कोई भी झटका वगैरह आता है तो वो मेरे हाथ पे इतना फील भी नहीं होता है, बिकॉज इसने शॉकर्स को भी अच्छा खासा सपोर्ट दे रखा है जिसकी वजह से शॉक पावर कम हो गई है और इम्पैक्ट कम हो गया है। सो एक चीज़ और बताता चलूँ कि इन टायर्स को लगाने के बाद हाइट जो है थोड़ी सी बाइक की इंक्रीज़ भी हो गई है। तो पहले इसकी हाइट इतनी नहीं थी लेकिन इन टायर्स को लगाने के बाद बाइक की हाइट इंक्रीज़ हुई है, तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है। साथ ही साथ ये नीचे टच भी नहीं होते हैं एंड एज सच अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया। बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि पीछे टायर अगर लग पाता है या नहीं लग पाता, तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि टायर अगर लग जाता है आराम से लग जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 150 टायर भी अगर हो आपकी NS में तो 150 में भी लग जाता है आराम से। तो गाइज़, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था आफ्टर कवरिंग 3000 किलोमीटर्स ऑन अपोलो अल्फा H1। सो आप लोग भी ये टायर्स कंसिडर कर सकते हैं, टायर्स बहुत सही हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस ही किया है, अपने एक्सपीरियंस के ही बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो इसी के साथ व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो थम्स अप। एंड गाइस, अगर आपको इन टायर से रिलेटेड कुछ भी पूछना रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।